फवाद आपके लिए बेहतर होगा कि आप खुद मुझे सब कुछ बता दें, वरना मुझे आप ही को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे इसके लिए आपकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो आपकी बहन है ना, तो मेरी भी वकील है वो। मुझसे तो सब कुछ छुपा सकते हैं आप इसे कैसे छुपाएंगे? एगत, कहाँ हैं आप? मैं आपके सामने खड़ा हूँ। सामने होते हुए भी आप बहुत दूर हैं। क्या आप नाराज हैं मुझसे किसी बात पे? आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे नाराज हूँ? 2 दिन हो गए आपने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा भी नहीं। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें। आप ख्वामख्वा अपने आप को कसूरवार ना कहें। आपसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं कुछ मसलों में उलझा हुआ। तो फिर ये बेरुखी का बर्ताव, ये अजनबियत से खत्म कर दें। जब आप मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है जैसे मैं इस भरी दुनिया में अकेले रह गई। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अपने रवैये पर माजरत करता हूँ। I'm sorry। आप मुझे बताएं आप किस वजह से परेशान हैं? बस कुछ ऑफिस के इश्यूज हैं, बता नहीं सकता। अच्छा चले आए, अम्मी और बच्चों के पास चले आए। चले कहाँ रह गए ये लोग? नहीं, देर हो गई है। फोन भी नहीं मिल रहा। आप लोग देखें क्या खाएंगे। आलिया की बहुत सारी मिस कॉल्स आई हुई हैं। किसका फोन है? फोन किसी का नहीं है। तो आलिया की मिस कॉल्स आई थी लेकिन मेरे फोन की चार्जिंग खत्म हो गई है।
एनीवे कोई बात नहीं, चलें। बताइए सर मैम क्या खाएंगे आप लोग? पापा मैं तो चिकन खाऊंगी। ये अयान आप क्या खाएंगे? जो आनी मंगवाएंगी मैं भी वही खाऊंगा। अच्छा तो आप क्या खाएंगे? आप जो भी अपने लिए मंगवा रहे हैं बस वो हमारे लिए भी मंगवा दें, मैं और अयान साथ खा लें। ओके तो दिस पुट्स मी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। चलें एक काम करते हैं, ब्रोस्ट। ब्रोस्ट कैसा रहेगा? अच्छा गुड। अम्मी आपके खाएंगी। फिश बिरयानी मंगवा दो मेरे लिए। फिश बिरयानी ठीक है। अभी एक्सक्यूज मी कैन यू टेक द ऑर्डर प्लीज? जी सर। इब्राहिम बेटा आलिया के लिए जरूर पैक करा लेना। जी जी बिल्कुल ऑफ कोर्स जी। अच्छा भाई आप दोनों बताइए आज आप लोग का दिन कैसे रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? पापा यू आर सो बोरिंग। आई नो। तो चले मैं आपको कोई एक जोक सुनाती हूँ। सुनाओ। नॉक नॉक। हू इज देयर? हू हू। एक और